दोस्तों एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है अभी इंटरनेट के ऊपर कि गूगल प्ले स्टोर काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से हटाना शुरू कर दिया है। खास तौर पे न्यूज़ जो फैलाई जा रही है वो ऐसी भी आ रही है कि गूगल जो है वो 30% का आपसे कमीशन मांग रहा है, इस वजह से एप्लीकेशन जो है वो रिमूव की जा रही है, जबकि ये सब गलत न्यूज़ है। देखिए, गूगल प्ले स्टोर समय समय पर प्ले स्टोर से अपने अपने एप्लीकेशंस को हटाता रहता है जो भी उनके पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर पेमेंट ले रहे हैं या फिर आप किसी कोर्सेज को सेल कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन गायब हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन बहुत पहले ही गायब हो चुके होते, क्योंकि ये डायरेक्ट शॉपिंग पोर्टल्स हैं और ये किसी भी प्रकार का कोई कमीशन जो है वो प्ले स्टोर को देते ही नहीं है। क्योंकि अगर आप 200 रुपये का कोई आइटम्स खरीद रहे हो फ्लिपकार्ट से और 30% अगर वो लगा प्ले स्टोर को देने, तो फिर वो कमाएगा क्या और सेलर्स तक पहुंचाएगा क्या? तो ये न्यूज़ बिल्कुल ही गलत है। और ज़्यादातर ये जो घटनाएं घट रही हैं कि LMS जो पोर्टल्स हैं जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, उनके जो एप्लीकेशंस डिलीट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या रीजंस हो सकता है इसके पीछे, इन सब के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी, जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं क्या हो सकता है रीजन और क्यों हो रहे हैं डिलीट आपके एप्लीकेशंस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुझे लगभग एक हफ्तों से लगातार कॉल आने शुरू हो चुके हैं यूजर्स की, और यूजर्स बार बार बस यही बता रहे हैं कि सर मेरा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से गायब हो गया है, अब मैं क्या करूं। ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे यूजर्स हैं जिनका एप्लीकेशन जो है वो रिमूव हो जाता है। देखिए, प्ले स्टोर को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई कि आप कितने इंस्टॉलेशन को लेकर अपने एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, कितने रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स हो, कितने रिप्यूटेड कंपनी हो, कितना रिप्यूटेड क्या भी हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने प्ले स्टोर की पॉलिसी का वायलेशन किया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो चुटकी भर में गायब हो जाएगा। प्ले स्टोर एक मिनट का भी समय नहीं लगाता सोचने में कि ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। एक इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर ने लास्ट ईयर पेटीएम एप्लीकेशन को सस्पेंड कर दिया था प्ले स्टोर से। क्यों किया था? क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर बेटिंग अलाउड नहीं है और पेटीएम ने अपने एप्लीकेशन के अंदर बेटिंग को अलाउ करना शुरू कर दिया था, यानी कि सट्टेबाजी के सिस्टम को लेकर आ गया था, जिसमें क्रिकेट्स के ऊपर, लूडोस के ऊपर लोग बेटिंग करते थे। प्ले स्टोर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है बेटिंग सिस्टम को लेकर, क्योंकि इंडियन पॉलिसी के अनुसार बेटिंग लीगल टेंडर इंडिया के अंदर नहीं है। इसीलिए आज भी आप देखते होंगे ड्रीम इलेवन नाम का एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पर नहीं है, लेकिन ड्रीम इलेवन इतना बड़ा कंपनी बन चुका है कि आज क्रिकेट टीम्स को स्पॉन्सर करता है, मैच को स्पॉन्सर कर रहा होता है, मतलब करोड़ों या खरबों में खेल रहा है वो एप्लीकेशन, लेकिन प्ले स्टोर पर नहीं आ सकता। उसका सिंपल रीजन यही है कि वो पॉलिसी का वॉयलेशन कर रहा है। आपको जानकर बड़ा हैरानी होगी कि जो मुझे कॉल्स आते हैं ना, उसमें मैक्सिमम जो यूजर्स हैं वो क्लास प्लस यूजर्स हैं, और कुछ ग्राफी के भी यूजर्स हैं, कुछ एडमिंगल की यूजर्स हैं, कुछ APX की यूजर हैं, लेकिन इसमें मुझे अभी तक एक भी ऐसा यूजर नहीं मिला जो कि खुद का सिस्टम बनवाकर यूज कर रहा है। यानी कि वाइट लेबल सिस्टम ही क्यों, वाइट प्लस ही सिस्टम क्यों रिमूव हो रहा है क्लास प्लस के ये प्ले स्टोर के ऊपर से? इसका बहुत बड़ा रीजन है SaaS मॉडल का होना। यानी कि जो वाइट लेवल आप सिस्टम ले रहे हैं वो SaaS मॉडल के ऊपर वर्क कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी पीछे बैठी है जो कि आपसे रेवेन्यू कमीशन जनरेट कर रही है। अब प्ले स्टोर ये चीज़ों को भी जान चुका है कि भाई ये जो एप्लीकेशन आ रहा है ये कमीशन बेस्ड एप्लीकेशन है, तो जब वो कंपनी आपसे कमीशन ले रही है तो फिर मैं क्यों ना लूँ आपसे कमीशन। तो एक न्यूज़ चली, न्यूज़ में ये बताया गया कि 30% कमीशन जो है वो प्ले स्टोर मांग रहा है। अब तक जितने भी यूजर्स आप लोगों ने मुझे कॉल करके यही बताया कि क्लास प्लस ने आपको ये जवाब दिया है कि 30% कमीशन मांग रहा है, इस वजह से आपका एप्लीकेशन चला गया है, कुछ दिन वेट करें फिर से हम आपका एप्लीकेशन लाइव ला देंगे। लेकिन भाई फिर से लाने का मतलब क्या है, समझते हो आप? लाइव तो आ जाएगा किसी ना किसी तरह से, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, लेकिन जो आपके इंस्टॉलेशन हुए, जो आपके रिव्यूज मिले, आपके यूजर्स मिले, वो खो जाएंगे, फिर दोबारा आप उन्हें नहीं पा सकते। उन्हें पाने के लिए फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप पाओगे। एक महारथी है, उनका मैंने यूट्यूब चैनल देखा था, यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने जस्ट वीडियो बनाया था कल के डेट पे, तो उन्होंने एक कोचिंग का नाम लिया था तुल्य अकेडमी करके कि एप्लीकेशन गायब हो गया। उसके बाद एक GRE कोचिंग का नाम लिया था कि वो भी गायब हो गया। जब मैंने खोजा तो ये ऐसा दिख रहा है आपका प्ले स्टोर के ऊपर, क्योंकि अब ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर है ही नहीं, ये गायब हो चुका है। लेकिन फिर से ये एप्लीकेशन किसी और हिसाब से अपलोड किया गया, और जब मैंने इसे ओपन किया तो ये क्लास प्लस वालों का ही एप्लीकेशन निकला।
तो ये एप्लीकेशन भी क्लास प्लस का है। देखिए मेरा मकसद ये बनाने का कंपनी के खिलाफ जाने का नहीं है, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं वाइट लेवल मॉडल के खिलाफ शुरू से रहा हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। मैं किसी कंपनी के खिलाफ ना जाता हूँ ना मुझे कोई जरूरत है, हर कोई कमाने के लिए आया है, हर कोई कमाएगा। देखिए 30% का कमीशन का कोई चक्कर नहीं है, बाय नाउ लगाने से आपका एप्लीकेशन रिमूव हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई जितने भी आए हैं यार मार्केट के अंदर सब गायब हो चुके होते, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं। अगर ये 30% कमीशन गूगल को देने लगेंगे तो फिर ये कहां से यूज कर पाएंगे? मतलब कि अगर आप 200 का कोई आइटम्स खरीद रहे हो अगर, और अगर उस पर 30% कमीशन प्ले स्टोर को देना पड़ जाए तो फ्लिपकार्ट तो चलेगा ही नहीं, फ्लिपकार्ट बंद हो जाता, अब तक उसका दिवालिया निकल जाता। तो ये 30% वाला जुमला तो यहाँ पे नहीं है, ये याद रखिए। हाँ, वाइट लेबल होने के नाते क्लास प्लस से या फिर बड़ी कंपनी से ये इतना एडजस्टमेंट कर रहा होगा कि हमें कुछ कमीशन चाहिए क्योंकि आप भी कमा रहे हो और हमें भी कमाना है अगर आप एप्लीकेशन को लाइव रखना चाहते हो, तो ऐसा ही रीजन होगा। नहीं तो हमारे 1200 से ज़्यादा एप्लीकेशन लाइव हैं, अब तक एक भी सिंगल एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से रिमूव नहीं हुआ। तो सिंपल सा रीज़न है, आप पॉलिसीज को फॉलो कीजिए, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। बाय नाउ के बटन को हटाकर आई एम इंटरेस्टेड लगा देने से अगर बाय प्ले स्टोर आपके एप्लीकेशन को सस्पेंड करने से रोक देगा तो आप ये भी करके देख लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतना स्मार्ट है गूगल टीम कि आप कुछ भी करोगे वो हर एक विंडो को पता कर लेती, क्योंकि आपका प्ले स्टोर जितने बार भी आप अपडेट पे एप्लीकेशन डालते हो वो रिव्यू पे जाता है, रिव्यू के बाद ही वो एप्लीकेशन लाइव होता है। तो मेरी आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी खुद के एप्लीकेशन को बनवाइए और अपना खुद का डेडिकेटेड एप्लीकेशन ही रखिए, तभी आपका सिस्टम सेफ एंड सिक्योर रहेगा। बाकी कोई डाउट्स हो, कोई भी कमेंट्स आप पूछना चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डिस्प्ले किए गए इस वाले नंबर पे, या फिर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको मेरा व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं हर किसी का जवाब देता हूँ, आपको भी दूंगा। दूसरा जो बहुत ही मोस्ट क्रूशल भी कह सकते हैं रीज़न लोग बता रहे हैं, पुरानी न्यूज़ को भी दिखा रहे हैं कि shaadi.com के ऊपर भी 30% का रेवेन्यूज लगाया गया था एंड ऑल, उसने केस भी किया था लेकिन वो केस हार गया। देखिए पॉलिसीज़ का वॉलेशन अगर आप करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे या तो फिर आपका एप्लीकेशन हट जाएगा, लेकिन अगर सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करके आपका एप्लीकेशन बन रहा है तो वो प्ले स्टोर से नहीं जाएगा। आपने ऑलरेडी पे कर रखा है $25 का डेवलपर अकाउंट, तो क्यों आपके एप्लीकेशन को वो रिमूव करेगा? बाकी मेरी जितनी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ इतना ही अब तक पता चला है कि ये सिस्टम की रिमूविंग वाला जो प्रोसेस दिख रहा है वो लगभग 450 से 500 एप्लीकेशन जो है वो डाउन टोटल डिलीट हुए हैं अभी तक इस हफ्ते, और वो ज़्यादातर मैक्सिमम कह सकते हैं 99.99% आपके वाइट लेबल एप्लीकेशंस थे, और कुछ अलग एप्लीकेशंस को भी रिमूव किया है। समय समय पर प्ले स्टोर रिमूवल का काम करता रहता है अपने सेफ्टी को, प्राइवेसी पॉलिसीज़ को, हर एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए, तो बहुत बड़ा इश्यूज़ नहीं है, और आपको बस उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और एप्लीकेशंस को लाइव कर देना है। यहाँ पे कोई भी पेमेंट वाला चक्कर नहीं है, 30% का कोई कमीशन का चक्कर नहीं है, तो आप लोग मिसगाइड मत होइए इस 30% को लेकर। अगर से कोई कंपनी एक्स्ट्रा पैसे मांग रही है कि यहाँ पे हाँ मुझे 30% देना है, इस वजह से मैं ये नया फीचर लगाऊंगा, इस नए फीचर के लिए नया पैसा देना पड़ेगा, तो पहले आप चेक कर लीजिएगा पॉलिसी क्यों रिमूव की गई अपनी एप्लीकेशन जो है, क्योंकि जब एप्लीकेशन इस वजह से रिमूव की जाएगी तो आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, वो जस्ट सस्पेंड किया जाएगा, और सस्पेंड में आपके वो रीज़न दिया जाता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करते ही आपका एप्लीकेशन लाइव भी हो जाता है। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ में, कुछ भी गाइड्स हो, रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी डाउट्स हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।